विद्या भारती ने एक प्रतियोगिता आयोजित की हुई है माय एनईपी के ऊपर, और यह प्रतियोगिता जो है 15 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। 15 सितंबर से प्रतियोगिता जो है वो 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी और इसका जो रिज़ल्ट है 5 अक्टूबर तक आ जाएगा। इसमें भाग कौन ले सकता है और कौन कौन से आकर्षक पुरस्कार जो दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है स्वर्ण, रजत और कांस्य, वो दिए जाएंगे जीतने वाले को, और पुरस्कार राशि भी रखी हुई है 10,000, 5,000 और 3,000 की। प्रत्येक प्रतियोगिता में भाषा अनुसार भी पुरस्कार दिया गया है, प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार हैं, और विशेष उल्लेख के लिए भी 1,000 रुपये प्रत्येक को दिया जाएगा। सहभागिता प्रमाण पत्र जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें आपको 15 क्वेश्चंस जो है वह भी पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए इसे हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन भाग ले सकता है। शुरू से हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलो मिलकर शिक्षा में बदलाव लाएं। तो जैसा आप जानते हैं कि 34 साल बाद हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है स्वीकृति दी गई, और यहाँ पर प्रतियोगिता में किस किस तरह से आप भाग ले सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। विद्या भारती के बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। नीचे की ओर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रतियोगिताओं के विषय हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आती हैं कि प्रतियोगिताएं कौन कौन से हैं, हम किस सब्जेक्ट पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि भाषा केंद्रित शिक्षा के ऊपर जो ये सब्जेक्ट्स हैं इन पर आपको बनाना है। ज्ञान आधारित समाज और समग्र शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, ये जो 4 टॉपिक दिए गए हैं इस पर ही आपको बनाना है। भाषाएं आप जिस भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, आसामी, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, संस्कृत, मलयालम, जिस भी भाषा में आप कंफर्ट हैं, जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में आप बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं माय एनईपी प्रतियोगिता की श्रेणियाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कौन कौन से प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं, किस किस प्रतियोगिता में वो भाग ले सकते हैं, उनको 2 मिनट का वीडियो बनाना है, और एक ये है, या फिर वो हैंडमेड पोस्टर बना सकते हैं, जैसे कि आपने फेसबुक वगैरह में भी देखा होगा, हाथ से बने हुए भी बना सकते हो आप, तो मीम्स बना सकते हो आप, 300 शब्दों का निबंध लिख सकते हो, हाथ से लिख करके आप फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हो, प्रधानमंत्री को पत्र किस तरह से लिखा जाता है, जो हमने अभी सब्जेक्ट बताया उसी सब्जेक्ट पे आप प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख सकते हैं। ये पत्र वहाँ जाएगा नहीं, ये कंपटीशन के लिए है, जिनका भी पत्र सबसे अच्छा होगा उनको आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिए 5, ये 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए है। उसके बाद उनके लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन हो चुका है या उससे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी है, लेकिन उनकी श्रेणी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उनको शॉर्ट फिल्म्स बनाना है उन्हीं 4 सब्जेक्ट्स पर, और जो कि 2.20 मिनट का कम से कम हो, 2.2 मिनट का कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, कम भी ना हो, लगभग इतना ही रखें आप। और डिजिटल पोस्टर बना सकते हो, हैंडमेड उनके लिए था 9th से 12th तक के लिए, आप डिजिटल पोस्टर बना सकते हो, जैसे मीम्स वगैरह जो बनाते हैं, और वो सब्जेक्ट 4 ही होने चाहिए। पेंटिंग और हैंडमेड पोस्टर भी आप बना सकते हो। न्यूनतम 8 ट्वीट का सूत्र थ्रेड जो है, हैशटैग आप यूज़ कीजिएगा, #MyNEP, इसे आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मीम्स भी बना सकते हैं आप, तो ये आपके लिए मतलब अंडर ग्रेजुएट और उनसे आगे के छात्रों के लिए ये है। अब अगली श्रेणी के बारे में आ जाते हैं, तो श्रेणी 3 जो है नागरिक श्रेणी जिन्हें बताया गया है, तो मतलब कि सामान्य नागरिक, हर कोई व्यक्ति जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है वो भी इसमें भाग ले सकता है। उनके लिए भी सेम जो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए जो कॉम्पिटिशन रखा गया है वही यहाँ पर उन्होंने दे दिया है, तो आप उसमें बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो प्रतियोगिताएं हैं, पेंटिंग प्रतियोगिता है, मीम्स मेकिंग प्रतियोगिता है, प्रधानमंत्री पत्र प्रतियोगिता है, तो इन्हें कैसे करना है। तो पेंटिंग प्रतियोगिता की यदि बात करें तो किसी भी पेपर साइज पर थीम एनईपी के आसपास डिजिटल हैंडमेड पोस्टर जो है वो आप बना सकते हो, एनईपी के ऊपर ही बनाना है आपको। आपकी रुचि के अनुसार रंग, स्केच, कार्टून, पेंटिंग का कोई भी रूप दे सकते हो आप, जो भी कलर आपको देना है, कुछ भी कार्टून बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। एक प्रतिभागी केवल एक ही पेंटिंग पोस्टर पोस्ट कर सकता है,
मतलब यदि पेंटिंग ले रहे हैं तो आप एक ही पेंटिंग पोस्ट कीजिएगा, है ना, उससे ज़्यादा मत बना करके पोस्ट कर दीजिएगा। डिज़ाइन खुद की हो, असली होनी चाहिए। आप किसी का कॉपी करके किसी कहीं से और फोटो ले करके आप उसे अपलोड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो आपके लिए मान्य नहीं होगा। आपकी पेंटिंग पोस्टर की स्कैन या क्लिक की गई स्पष्ट तस्वीर जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं, और ये केवल 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए है। अब मीम्स मेकिंग जो है वो आप देख लीजिए, उस पर यदि आप कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उनको क्या क्या याद रखना है, क्या किस किस बातों पर ध्यान देना है। अपनी बात दर्शाने के लिए केवल सकारात्मक जो है प्रतिमाओं का उपयोग करें, मतलब कि आपको पॉजिटिव ही रह करके बनाना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं बनाना है। अश्लील चित्रों का यूज़ नहीं कर सकते, आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी आपत्तिजनक सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते, इसका विशेष ध्यान रखना है। आपके मीम्स जो है NEP के आसपास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हो, उस सब्जेक्ट से दूर ना हो जाए, है ना, व्यंगपूर्वक रंजक होने चाहिए। और अपने मीम्स की फ़ोटो अपलोड करके मीम्स सबमिट कर सकते हैं। अब ये देखिए 9वीं से 12वीं कक्षा के भी लोग यूज़ कर सकते, मतलब सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीम्स सभी लोग बना सकते हैं, ये कहना है। प्रधानमंत्री को पत्र, कई लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि प्रधानमंत्री को जो पत्र हम लिखेंगे तो उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो उसमें ध्यान क्या रखने वाली बात है। पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित किया जाना चाहिए सबसे पहले, तो वो तो लिखते समय ही आपको मालूम होना चाहिए। पत्र के लिए कोई शब्द सीमा नहीं है, इसे हस्तलिखित या टाइप किया जा सकता है, हाथ से लिख करके भी या टाइप किया हुआ भी आप दे सकते हैं। पत्र का आशय जो है NEP थीम की ही हो, इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके ऊपर ही आपको पत्र लिखना है। पत्र की स्कैन की गई, क्लिक की गई, टाइप की हुई फ़ोटो अपलोड करना है, और ये केवल और केवल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि 2 मिनट का जो वीडियो हमने अभी बताया था, 2 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 2 सेकेंड, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो जो आप किसी भी भाषा में रिकॉर्ड कर सकते हो उसकी कोई पाबंदी नहीं है। 2 मिनट से अधिक का वीडियो नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। वीडियो को केवल रिव्यू कैमरा शूट किया जाना चाहिए, मतलब कि फ्रंट कैमरे से मत शूट कीजिएगा, बैक कैमरे से ही आपको शूट करना है, उसमें क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी आती है। किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हो आप, और अगर कुछ गलत आप उसमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो रद्द भी किया जा सकता है। ये बच्चों के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र भी इसमें भाग ले सकते हैं। और लघु निबंध प्रतियोगिता जो है वो 300 शब्दों की उन्होंने बताया है कि वो आप लेना है। निबंध में 300 से अधिक शब्द नहीं होना चाहिए। निबंध की सामग्री जो है वो NEP, मतलब कि यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिशन है वो NEP को ध्यान में रख कर के ही आपको करना है सबसे पहले तो ये। और फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म जो अभी हमने बताया, शॉर्ट फिल्म्स भी बना सकते हैं आप एक्टिंग करके, है ना। तो वीडियो के कंटेंट किसी भी भाषा में बना सकते हो आप, और यह जो वीडियो है शॉर्ट फिल्म 2 मिनट, मतलब 140 सेकेंड से ज़्यादा मत रखिएगा। किसी भी बेकार शब्दों का, गलत शब्दों का कुछ भी ऐसा यूज़ करते हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट और इसके आगे के छात्र और सामान्य नागरिक इस पर बना सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि जो प्रतियोगिताएं हैं डिजिटल डिजाइनिंग प्रतियोगिता में, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो डिजिटल डिजाइनिंग में आप किसी भी सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोरल और फोटोशॉप, कैनवा, जो भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतियोगिता का विषय आपको NEP पर ही होना चाहिए। स्केच कर लीजिए, कार्टून डिज़ाइन कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, पोस्ट कर दीजिए। और इसका फॉर्मेट जो है आप ध्यान रखिएगा, गिफ्ट GIF, PNG या JPEG या JPG होना चाहिए। और ये अंडर ग्रेजुएट और नागरिक सभी लोग इसे यूज़ ले सकते हैं इसमें भाग। अगला है 8 ट्वीट का सूत्र थ्रेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये ट्वीट का थ्रेड क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपका जो निबंध है एक ट्वीट थ्रेड में पोस्ट किया जाना चाहिए। ट्वीट की न्यूनतम जो संख्या है 8 सूत्रों थ्रेड में होना चाहिए। निबंध के आशय को, मतलब NEP से ही कड़ाई से पालन करना चाहिए, NEP
से ही सब्जेक्ट से ही आपको बनाना है। अपने निबंध की जो है स्कैन की गई, क्लिक की गई, टाइप की हुई फ़ोटो अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं और ये अंडर ग्रेजुएट और सामान्य नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। अब आती है हैंडमेड पेंटिंग प्रतियोगिता। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और नागरिक दोनों भाग ले सकते हैं और आपकी जो पेंटिंग की थीम होनी चाहिए वो NEP से रिलेटेड होनी चाहिए। आपकी रुचि के अनुसार आप अपना रंग, स्केच, जो भी कार्टून आप यूज़ करना चाहें वो सब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि किसी भी आकार या साइज़ का कागज़ का चयन कर सकते हैं आप, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। और पेंटिंग को आप फ़ोटो खींच करके भी अपलोड कर सकते हैं, स्कैन करके भी कर सकते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी में हो। उसके बाद आगे आते हैं कि इस प्रतियोगिता में भाग कैसे लेना है। वैसे तो मैंने पहले ही इसमें वीडियो बना चुका है और आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर के किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन के आंसर भी वहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। यदि आपसे नहीं आते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, सही सही आंसर आपको लिखने हैं। उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। सबसे पहले आपका तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है वीडियोस वगैरह वो देखने पड़ेंगे उससे, और फिर आपसे क्विज जो है वो NEP से रिलेटेड कुछ 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद आपका एक स्कोर कार्ड जो है वो तैयार होगा और फिर आप एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आपने जिस भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, जो भी क्रिएटिविटी, चित्र, वीडियो जो भी है, तो उसको आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको उसे शेयर करना होगा हैशटैग MyNEP डाल करके सोशल मीडिया पर। तो ये 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे तभी आप उसमें भाग ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लियरली देख लीजिए, बहुत अच्छे से कीजिएगा। अभी भी आपके पास वक्त है 2 अक्टूबर तक का, ठीक है। चलिए आगे हम जानते हैं कि ये तो हमने देख लिया था कि पुरस्कार आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं। भाई गोल्ड भी मिलने वाला है, सिल्वर भी मिलने वाला है, ब्रॉन्ज भी मिलने वाला है, और ये हमने देख लिया था। अब देखिए यहाँ पर जो है एम्बेसडर भी आप बन सकते हैं MyNEP की। तो उसमें यदि आपको प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है कि वो केवल एम्बेसडर बन सकते हैं। उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, बस वहाँ पर उनको जा कर के एक रजिस्टर करना होगा, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि जो पार्टिसिपेट के लिए जो शपथ है उसके लिए भी आप भाग ले सकते हैं। उसमें भी आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, ये जो PDF है वो भी मैं आपको दे दूंगा नीचे। और ये विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्था के द्वारा जो है ये कॉम्पिटिशन जो है ये आयोजित किया जा रहा है। और हेल्पलाइन नंबर जो है आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8181813276 पर, या फिर आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर @विद्याभारती इन पर भी आ सकते हैं, @MyNEP पर भी जा सकते हैं। और जो भी क्वेरी है आप यहाँ पर व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट पर करके हमें बता दीजिएगा और क्या क्या आपको परेशानियाँ आ रही हैं, हम उसका जवाब देंगे। और प्रतियोगिता में कैसे भाग लेते हैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो आज थोड़ा सा काम का लगा होगा। आपके यहाँ पर यदि बच्चे हैं, पड़ोस में बच्चे हैं, तो उन्हें पार्टिसिपेट दिलाइए, लोगों को दिलाइए पार्टिसिपेट में। हो सकता है कि आप यह जो कंपटीशन है वो जीत जाए, और जो भी इस कंपटीशन में जीतते हैं वो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं, हम लोग को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।